के शेप का काम। सीताराम, आप कब से हैं यहाँ पे स्वामी जी? साहब हमको तो यहाँ पर ये गुफा में 16 साल हो गए। 16 साल से ये गुफा ऐसा ही है क्या? हम यहाँ राम जी की इच्छा से 12 महीने यहाँ रहते हैं। अच्छा 12 महीने, चाहे बर्फ पड़े चाहे कुछ पड़े। हाँ, और 16 साल में तो गुफा ये ऐसी ही है, हमने कोई बदलाव नहीं किया। हमने इसको नेचुरल ढांचे की तरह देखा है, ये नेचुरल हम समझते हैं कि ये नेचुरल है, ये इसमें कोई बनावटी नहीं है। आपकी खाने पीने की व्यवस्था क्या है? तो खाने की भी पीने की व्यवस्था तो ये है कि दाल रोटी हमारा चलता है जी, और हम वैष्णव साधु हैं। अच्छा जी। हमारा नाम राम किशोर दास महात्यागी है और दाल रोटी हमारी चलती है, और अपनी व्यवस्था 6 महीने की तो पहले करने पड़ती है, पट बंद होने से पहले ही पहले हम व्यवस्था कर लेते हैं अपनी। आप 12 महीने यहाँ रहते हैं? हम यहाँ 12 महीने यहाँ पर रहते हैं, तो हमको यहाँ 16 साल हो गए हैं। और यहाँ की ये जो गुफा की जो कहानी कथा है वो ये है कि पांडव यहाँ पर आए हैं, इसलिए इसका नाम पांडव गुफा है। तब पांडव कौन समय आए हैं? स्वर्गारोहण के समय। वो समय पांडवों ने अपने राज को त्याग दिया था, राज को त्याग करके परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित पांडवों के पोते थे, अभिमन्यु के पुत्र। परीक्षित को राजा बना करके अपने अस्त्र शस्त्र धनुष बाण गदा इत्यादि कृपाण इत्यादि उन्होंने अपने राजधानी में ही राजपाट में ही सौंप दिए थे परीक्षित को। और राजपाट में अपने सब कुछ त्याग करके, राजपाट को त्याग करके वो द्वारका गए भगवान श्री कृष्ण जी के पास, 5 पांडव माता द्रौपदी। भगवान श्री कृष्ण तो उनके वहाँ पहुँचने से पहले पहले 7 दिन पहले ही शरीर को त्याग दिया था जंगल में। जब पांडव वहाँ द्वारका जी में गए तब पांडवों को ये शरीर का दर्शन हुआ, भगवान श्री कृष्ण के देह का दर्शन हुआ केवल। पांडवों को जो बड़ा पश्चाताप हुआ, वो देह को दर्शन करके बहुत दुख हुआ उनको। और पांडवों ने वो समय द्वारका जी में भगवान श्री कृष्ण की देह का संस्कार किया। संस्कार करने के बाद पांडवों को ऐसा लगा भी अब तुम्हारा भी अंत समय आ गया, शरीर त्यागने का समय आ गया। तो उन्होंने ये हिमालय को चिन्हित किया कि हिमालय में अपना शरीर को त्यागना है, देवलोक में अपना शरीर त्यागना है। ये वो समय पांडव द्वारका जी से हिमालय में आए और यमुनोत्री जी में गए। पहले वो यमुनोत्री जी के बाद वो गंगोत्री में आए। गंगोत्री में आने पर ये गुफा में रुके, ऐसा यहाँ का कथा कहानी है, इसलिए इसका नाम पांडव गुफा है। इसको कोई कोई भीम गुफा भी बोलते हैं, कोई कोई द्रौपदी गुफा भी बोलते हैं, फिर भी है ये पांडव गुफा ही, एक ही बात है, द्रौपदी पांडव। हाँ, तो ये फिर 5 पांडव माता द्रौपदी गंगोत्री से केदारनाथ गए। केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ का उन्होंने दर्शन किया। किस रूप में किया? पशु के रूप में, नंदी के रूप में। यह वो उनकी इच्छा हुई ऐसी कि ये भोलेनाथ हैं, यही नंदी भोलेनाथ हैं, चलो इनके पास चलते हैं, इनके निकट चलते हैं, इनके पाँव में गिरते हैं। वो समय भोलेनाथ पाताल में प्रवेश कर गए। कहाँ निकले? पशुपतिनाथ। तो जो नंदी की पीठ थी वो पांडवों के हाथ में लगी। केदारनाथ में पीठ की पूजा है नहीं, लिंग की पूजा नहीं है। मुख भोलेनाथ का पशुपतिनाथ में निकला काठमांडू में, और पीठ यहाँ पर। तब वो पीठ की पूजा करी पांडवों ने वहाँ पर भोलेनाथ की, और पीठ की पूजा करने के बाद फिर 5 पांडव माता द्रौपदी बद्रीनारायण गए। बद्रीनारायण भगवान नारायण से उन्होंने वार्ता किया, साक्षात दर्शन किए, साक्षात वार्ता किया, जैसे आप और हम आपस में बैठ के सत्संग कर रहे हैं उसी तरह भगवान नारायण से वो समय उन्होंने सत्संग किया। और भगवान नारायण की आज्ञा से ही उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया बद्रीनाथ के ऊपर, जो सतोपंथ के लिए रास्ता जाता है माना गाँव होते हुए, उस रास्ते में उन्होंने अलग अलग से भिन्न भिन्न जगह पे अपना शरीर को त्याग किया। और लास्ट में स्वर्गारोहिणी ऊपर है, स्वर्गारोहिणी धर्मराज युधिष्ठिर गए। वहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ने शरीर त्याग नहीं किया, अपने शरीर को वायुमंडल में विलीन किया।
तो साहब ये यहाँ की कथा कहानी है कि वो समय पांडव यहाँ पर रुके हैं, इसलिए इसका नाम पांडव गुफा है। यहाँ पर उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि जितने दिन भी रुके, महीना दो महीना, वो यहाँ पर रुके हैं, इसलिए इसका नाम पांडव गुफा है। अभी 16 साल से राम जी की इच्छा से हम यहाँ रहते हैं। हम वैष्णव साधु हैं, वैष्णव परंपरा से, रामानंदाचार्य संप्रदाय से हैं। जय सीताराम।